हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद लक्ष्मी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूं एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे ही हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे घुटने के बल चलना कब सीखते हैं, बच्चे घुटनों के बल कितने महीने में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बच्चों के शारीरिक विकास में चलना एक अहम पड़ाव माना जाता है। आगे जानते हैं कि ये आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। बच्चों को बोलने में चलने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बच्चे बिना आपकी मदद के नहीं कर सकते हैं। अपने छोटे बच्चे को घुटनों के बल चलते देखना हर अभिभावक की इच्छा होती है। हर अभिभावक के लिए एक यादगार पल होता है। बच्चे के विकास में ये महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। वैसे तो हर बच्चे 7 से 10 महीने के अंदर ही घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे इससे पहले और कुछ बच्चे इसके बाद चलना शुरू करते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चे घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं और अभिभावक को किस तरह से उनकी मदद करना चाहिए, किस तरह से अभिभावक उनकी मदद कर सकते हैं। कुछ माता पिता बच्चों को समय से पहले ही चलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे 7 माह के दौरान घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ बच्चे 10 माह तक भी घुटनों के बल चलना प्रारंभ नहीं करते हैं। इस समय तक बच्चा हाथों और घुटनों को हिलाना सीख जाता है। हर बच्चे की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, हर बच्चे की अलग अलग बॉडी एक्टिविटी होती है। कुछ बच्चों में देखा जाता है कि 6 माह में ही वो घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि 9वें और 10वें महीने तक भी वो घुटनों के बल चलना नहीं सीख पाते हैं। तो हर बच्चे में अलग अलग प्रोसेस देखा जाता है, हर बच्चे का अलग अलग बॉडी एक्टिविटी देखा जाता है। और कुछ बच्चे तो पूरे साल घुटनों के बल चलना नहीं सीख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी बच्चा देरी कर रहा है घुटने के बल चलने में, आपका बच्चा भी 9 या 10 या फिर साल भर हो गया आपका बच्चा घुटने के बल नहीं चल रहा है, आपको घबराने की बात नहीं है। आप डॉक्टर से संपर्क करें। अपने डॉक्टर के अनुसार कुछ बच्चों में साइकोमीटर और कॉग्निटिव स्किल्स बेहतर होता है, जिससे वह कई चीज़ों को तेज़ी से सीखते हैं, और कुछ बच्चों में इसकी कमी होती है, इसीलिए वो बोलने चलने में थोड़ा देरी करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा चलने में देरी कर रहा है तो अपने डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फ्रेंड्स, जानेंगे बच्चों के घुटनों के बल चलने के क्या संकेत हो सकते हैं। बच्चों का चलना कई पड़ाव से गुजरता है। इसमें सबसे पहले शिशु बैठना सीखता है। गर्दन को स्टेबल रखने के बाद ही बच्चा घुटनों के बल आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस दौरान बच्चे कई बार गिरते भी हैं, उठते भी हैं। बच्चा घुटने के बल चलने से पहले एक ही जगह पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक ही जगह पर बैठ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यह एक मुख्य संकेत होता है कि बच्चा घुटने के बल चलेगा। आपका बच्चा जल्द ही घुटनों के बल चलना शुरू कर देगा, अगर ये प्रोसेस आपके बच्चे के अंदर है तो। घुटनों के बल चलते समय बच्चा कई चीज़ों का सहारा लेकर खड़े होने का भी प्रयास करता है। बच्चा खड़े होने में असमर्थ भले ही हो, भले ही गिर जाता हो बार बार, लेकिन वो ज़रूर खड़े होने का प्रयास करेगा। अगर ये एक्टिविटी आपका बच्चा कर रहा है तो आपका बच्चा जल्दी ही घुटनों के बल चलना सीख जाएगा। वैसे तो बच्चा घुटनों के बल चलना खुद ही शुरू कर देते हैं, लेकिन अभिभावक की उनकी चलने में मदद कर सकते हैं। बच्चे को चलने के लिए उनके पेरेंट्स को भी उनकी मदद करनी होगी। शिशु का टमी टाइम बढ़ाना होगा। टमी टाइम क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। शिशु घुटनों के बल चलना शुरू करने से पहले पेट के बल लेटाकर आगे खिसकाने की कोशिश करें। समय अभिभावक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पेट के बल लेटाना चाहिए। बच्चे को अगर पेट के बल लेटा दिया जाएगा तो वो अपने शरीर को आगे के तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे। घुटनों के बल चलने से पहले शिशु के हाथों और मांसपेशियों का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आपको दिन में बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेके आपको बच्चों को पेट के बल लेटाना ज़रूरी होता है। बच्चे को पेट के बल लेटाना ही टमी टाइम बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपका बच्चा अगर बैठा हुआ है तो आप अपने बच्चे से थोड़ी दूरी पर होके उसे अपने पास बुलाएं, उसे कोई भी खिलौना दिखाएं, कोई भी चीज़ दिखाएं कि वो आपके पास आने की कोशिश करे। इससे बच्चा खुद आगे बढ़कर आपके पास आने की कोशिश करेगा। बच्चा आपके पास आने में समय लेता है तो आप धैर्य रखें। साथ ही बच्चे को ज़बरदस्ती अपने पास बुलाने की प्रयास ना करें। आपके हाथ में कोई खिलौना हो, कोई खाने की चीज़ हो, आप
बुलाएं उसको तो वो खुद ब खुद आएगा, अगर उसकी बॉडी एक्टिविटी अच्छी होगी तो। शिशु को घुटने के बल चलने के लिए प्रेरित करें। प्रोत्साहित करने के लिए आप उसके पसंदीदा खिलौनों की मदद ले सकते हैं, जैसे कि खिलौनों को आप जमीन पर रख दें। बच्चे के खिलौनों को आप जमीन पर रख कर उसे आगे की ओर बढ़ने के लिए कहें। शिशु खिलौने लेने के लिए आगे बढ़ना शुरू करेगा और कुछ समय के बाद वह घुटनों के बल चलना शुरू कर देगा। अगर यही प्रोसेस आप बार बार करेंगे अपने बच्चे के साथ, उसको टाइम देंगे, बच्चे को चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो आपका बच्चा जल्द ही घुटने के बल चलना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा चलने में देरी कर रहा है, आपका बच्चा घुटने के बल चलने में देरी कर रहा है, तो आप अपने बच्चे का टमी टाइम बढ़ाएं, यानी बच्चों को उनके पेट के बल लिटाएं। इससे बच्चों को कंधे, बाँह और शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूती मिलती है, उससे मजबूती प्रदान होती है। इन्हीं मांसपेशियों से बच्चे को क्रॉल करने में मदद मिलती है। अगर आपका बच्चा लेटने पर लगातार मूव करता है और पेट के बल लेटने पर गर्दन को इधर उधर घुमाता है, पीठ के बल लेटने पर पैरों को पकड़ता है, लेटने पर करवट बदलने की कोशिश करता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे की एक्टिविटी अच्छी है तो आपका बच्चा जल्दी घुटने के बल चलना शुरू करेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे की अलग अलग एक्टिविटी होती है, कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चों को थोड़ी देरी हो सकती है। फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी है, तो मेरी बेबी बहुत ही जल्द चलना सीख गई है। वो समय से पहले घुटनों के बल भी चल रही थी और समय से पहले ही वो चलना भी सीख गई है। मेरी बेबी अब 1 साल की हो चुकी है, बेबी गर्ल है मेरी, एक बेबी बॉय भी है, बेबी गर्ल भी है। मेरा बेबी बॉय थोड़ा देरी से चलना सीखा था, लेकिन बेबी गर्ल वो 1 साल के पहले ही 11 महीना लास्ट होते होते वो चलना सीख गई थी। तो फ्रेंड्स, हर बच्चे का बॉडी एक्टिविटी अलग अलग होता है, वो कोई देरी से चलता है, कोई पहले चलना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, मेरा बेबी बॉय इसलिए देरी किया था कि उसके चलने के टाइम पे ठंडी का सीज़न आ गया था, तो ज़्यादातर उसको छोड़ते नहीं थे बाहर, चलने का मौका ही नहीं पाया, इसलिए वो थोड़ा देरी कर दिया था चलने में। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स को बेबी को चलने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढना चाहिए, घर में कोई ऐसी सुरक्षित जगह ढूँढें जहाँ शिशु को क्रॉल करना सिखाया जा सके और उसे किसी चीज़ से चोट ना लगे। कोई भी हानिकारक या नुकीली चीज़ें उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। बच्चे को आप खुद ही क्रॉल करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। उनके सामने कुछ दूरी पर खिलौने रखें और फिर उसे खिलौने के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी छोटा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका बेबी कितने महीने में चलना शुरू किया है। ज़्यादातर बच्चे 11 से लेकर 14 महीने तक के अंदर ही चलना शुरू कर देते हैं, अगर उनका बॉडी एक्टिविटी अच्छा रहा तो, अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चों का रखिए ख्याल, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।